share a new recipe with all of you. Hey guys, welcome back to the channel. Hope you all are doing great और we hope कि आप सब घर में हैं, सुरक्षित हैं और lockdown का पालन भी कर रहे हैं. So guys, जैसे कि आज एक नया रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ, तो ये रहेगा हम लोग का क्या आज? साबुदाना खिचड़ी, आप इसे साबुदाना उपमा भी कह सकते हैं. तो हम में से काफी सारे लोग साबुदाना खिचड़ी जो है हम नवरात्रों के टाइम बनाते हैं, पर जो नवरात्र में बनता है वो एकदम सिंपल सा होता है, जैसे बॉइल्ड आलू और साबुदाना, जीरा पाउडर एंड सेंधा नमक, इतनी सिंपल सी चीजें यूज करके हम बनाते हैं. बट आज हम बनाएंगे वेजिटेबल्स साबुदाना खिचड़ी. इसमें मैं जो भी घर पे अवेलेबल वेजिटेबल्स थे सबको यूज करके मैं एक वेजिटेबल साबुदाना खिचड़ी बनाऊंगी. तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है. So guys, again time for to learn something new. तो ये नया रेसिपी है, आज ट्राई करेंगे, we'll get something new to learn. वेजिटेबल साबुदाना खिचड़ी के ये हैं आज के इंग्रेडिएंट्स. तो ये है साबुदाना जो कि हमने ओवरनाइट सोक कर लिया था. ये है 1.5 कटोरी ऑफ साबुदाना. और ये है टमाटर, टमाटर मैंने 2 स्मॉल साइज टमाटर है उसे कट कर लिया है. और ये है फ्रेंच बीन्स, ये है कैप्सिकम येलो वाला, ये है ग्रीन वाला कैप्सिकम, और ये सब मैंने एक एक क्वांटिटी में लिया हुआ है. और ये एक रेड कैप्सिकम को मैंने कट कर लिया है, ये एक बड़ा साइज अनियन, और ये एक कैरेट, इसे भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है. और इसके अलावा ये है ड्राई रोस्ट मूंगफली. और मसालों में ज्यादा कुछ नहीं है, मसालों में बस नमक टेस्ट के लिए और बस कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी. और ये जीरा पाउडर जो मैंने जीरा को घर पे ही रोस्ट ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लिया है. आपके पास जीरा पाउडर है तो आप उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. और खिचड़ी बनाने के लिए हमें बस चाहिए 2 चम्मच ऑयल. और ये गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा धनिया. और ये हम जब पहले हम ऐड करेंगे इसे कड़ी पत्ता को और जीरा को, उसके बाद वेजिटेबल्स ऐड करेंगे. So guys, अभी हम लोग का साबुदाना खिचड़ी रेडी हो चुका है और हम लोग इसको ट्राई करेंगे. और आप भी घर में इसको जरूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा रेसिपी है. पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा इसे. So guys, stay home, stay safe.